नवरात्र के सप्तमी पे मंदिरों के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों के अंदर पूजा की थाली लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें मंदिरों के अंदर देखने को मिल रही हैं। लोग काफी उत्साहित हैं। कितना महत्व है इन नवरात्रों का? बहुत महत्व है नवरात्र। क्या करते हैं आप? पूजा करते हैं माँ की, 9 दिन पूरे माँ के नवरात्रों के। आपने भी क्या ऐसा व्रत रखा है? हाँ जी, हमारे सारे व्रत होते हैं हर साल, व्रत कर रखे हुए हैं और यहाँ आकर और ज्यादा अच्छे दर्शन होते हैं। पूजा करने के लिए आए हैं, क्या क्या चीज लेकर आए हैं माता को? मैं पूजा करने के लिए लेके आया हूँ, पूजा में माता का प्रसाद होता है, ये श्रृंगार होता है और माता की चुनरी होती है, नारियल होता है। पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी रखते हैं पूरे नौरते। इसकी कृपा हो जाए तो जन्म सफल हो जाते हैं। पूजा करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। आनंद आता है? हाँ। मंदिर हमेशा आते हैं? हाँ। तो कहने के लोगों को काफी आनंद आता है माता के दरबार के अंदर आकर, खासतौर पर जब इतनी संख्या में लोग श्रद्धालु मंदिरों के अंदर पहुंचे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती जो मंदिर प्रशासनों के सामने ये होती है कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए जाए। सुरक्षा की दृष्टि से हमने 3 प्रकार के उपाय किए हुए हैं। एक तो हमारे 150 सेवादार राउंड द क्लॉक मेले की सुरक्षा का प्रबंध संभालते हैं, वो चारों तरफ निगाह रखते हैं। उनके पास 25 वॉकी टाकी हैं जो बाहर और अंदर सब तरह के आपस में एक दूसरे से तालमेल रखते हैं और मॉनिटर करते हैं। 72 CCTV कैमरे परिसर के अंदर और मंदिर के बाहर, जहाँ जहाँ पार्किंग है, जूता स्टैंड है हमारे, या जहाँ से भक्त आते हैं वहाँ पर सब जगह CCTV कैमरे हैं और हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। तो मंदिरों के अंदर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी मंदिरों के अंदर तैनात किए गए हैं। खासतौर पर CCTV कैमरास के जरिए मंदिरों के अंदर निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा सके और किसी भी आने वाली अप्रिय घटना को टाला जा सके। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।